हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज कंप्यूटर सिक्योरिटी। कंप्यूटर सिक्योरिटी का हमने जो है इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था, और आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड इट्स टाइप के। जो प्रीवियस वीडियो में हमने कंप्यूटर सिक्योरिटी के बारे में डिस्कस किया था, आज हम उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो, मैं अनिरुद्ध, इस कोर्स का इंस्ट्रक्टर एंड फाउंडर ऑफ टेक मास्टर एडयू, स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक मास्टर एडयू में। तो ये आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड इट्स टाइप्स। तो बेसिकली जो है, हमारे आज के डिजिटल वर्ल्ड के अंदर जितनी भी वेरियस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी अवेलेबल है, उन सभी का हम वाइडली यूज करते हैं टू प्रोटेक्ट द वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट लाइन बन जाती है एज अ कॉलेज स्टूडेंट, कि अगर हम कंप्यूटर सिक्योरिटी बारे में पढ़ रहे हैं, कि बेसिकली कंप्यूटर सिक्योरिटी की अगर बेसिक टर्म में हम बात करें तो इसका डायरेक्ट मतलब या डायरेक्ट मीनिंग निकलता है टू प्रोटेक्ट द वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो कंप्यूटर सिक्योरिटी में हम क्या करते हैं, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था, हमारे सिस्टम की सिक्योरिटी को, हमारे डेटा को जो है हम प्रोटेक्ट करते हैं। तो इनके कुछ टाइप्स होते हैं। सबसे पहला हमारा टाइप आता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इज सिक्योरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, मॉडिफिकेशन एंड डिलीशन। मैंने मेरी प्रीवियस वीडियो यानी कि जो हमने डिस्कस किया था व्हाट इज कंप्यूटर सिक्योरिटी, उसके अंदर जो है मैंने ऑथराइज्ड एक्सेस के बारे में कंप्लीट डिटेल में बताया है, उसका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का डायरेक्ट और एक बेसिक सा मीनिंग यही निकलता है कि किस तरीके से जो है हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की, हम अपनी सेल्फ सिस्टम की इंफॉर्मेशन जो उसके अंदर अवेलेबल है, उसको अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचा सकते हैं, मॉडिफिकेशन से बचा सकते हैं और डिलीशन से बचा सकते हैं। और इसको मैं अगर लेमन लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँ तो हमारा जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी डेटा अवेलेबल है, उसको कोई भी अननोन पर्सन एक्सेस ना कर सके, हमारी इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई ना कर सके, मतलब चेंज ना कर सके। सपोज अगर मैं बात करूँ, मेरे पास कोई डेटा है, तो उस डेटा को वो चेंज ना कर सके, उस डेटा को डिलीट ना कर सके, उस डेटा को एक्सेस ना कर सके। ये हमारी सिक्योरिटी का जो भी सर्कल है, ये सब आता है हमारा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर। नेक्स्ट हमारी सिक्योरिटी आती है एप्लीकेशन सिक्योरिटी। हम जो है सभी अपने मोबाइल फोन्स में, अपने सिस्टम्स में बहुत सारी एप्लीकेशंस, एप्स जिन्हें हम बोलते हैं, उनका यूज़ करते हैं, तो उनको जो सिक्योर करना है वो भी हमारा कंप्यूटर सिक्योरिटी के टाइप्स में आता है। एप्लीकेशन सिक्योरिटी, सिक्योरिंग एन एप्लीकेशन बाय बिल्डिंग सिक्योरिटी फीचर्स। सिक्योरिटी फीचर्स हम डेवलप करते हैं अपनी एप्लीकेशंस के अंदर कुछ मल्टीपल लेयर्स में, ताकि हम उन्हें बचा सके साइबर थ्रेट से, जैसे कि SQL इंजेक्शन, DOS अटैक, डेटा ब्रीचेस एटसेट्रा। हर एक जो भी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, जो भी एप्लीकेशन सिक्योरिटी है, जितने भी हम टाइप ऑफ सिक्योरिटी टाइप पढ़ेंगे, उन सभी में एक बेसिक चीज़ कॉमन होगी कि हम वहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी सिक्योरिटी को सिक्योर कर रहे होंगे। बट सिक्योरिटी के टाइप अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि वो अलग अलग लेवल्स पे यूज हो रहे हैं। इंफॉर्मेशन क्या है? एक लोअर लेवल है सिस्टम के अंदर। एप्लीकेशन क्या है? एक इंफॉर्मेशन से अपर लेवल है जो कि हम एप्लीकेशन के फॉर्म में यूज करते हैं। इसी तरीके से हमारी थर्ड आती है कंप्यूटर सिक्योरिटी। अब अगर आप इसे ध्यान से देखें तो बेसिकली लेवल बाय लेवल इंक्रीज हो रहा है। पहले हम नॉर्मली हमारी इंफॉर्मेशन को सिक्योर कर रहे थे, देन हमने हमारी एप्लीकेशन को सिक्योर किया, एंड देन हम सिक्योर कर रहे हैं अब हमारी कंप्यूटर सिक्योरिटी को। तो कंप्यूटर सिक्योरिटी का मीनिंग क्या हुआ? सिक्योरिंग स्टैंड अलोन मशीन बाय कीपिंग इट अपडेटेड एंड पैच्ड। अब हमने क्या कर लिया? हमारी इंफॉर्मेशन को सिक्योर कर लिया, एप्लीकेशंस को सिक्योर कर लिया, अब हम सिक्योर करेंगे कंप्यूटर को। कंप्यूटर मैंने कि मशीन, किस तरीके से जो है हम एक अकेली मशीन को ऑटोमेटिकली अपडेट, अपडेट का मतलब ये नहीं है जो नॉर्मल कंपनीज अपडेट देती है, फीचर्स देती है, वो वाला अपडेट नहीं। कोई भी अटैकर किसी भी तरीके का अटैक करके उस सिस्टम को अपडेट ना कर पाए और उसे पैच ना कर पाए। पैच करने का मतलब है बेसिकली वो इलीगली यूज ना कर पाए। फोर्थ आता है नेटवर्क सिक्योरिटी। हम इस डिजिटल वर्ल्ड के अंदर डेली जो है नेटवर्क की हेल्प से जो है ट्रांसफर ऑफ डेटा करते हैं, डेटा को ट्रांसफर करते हैं, तो उसको भी सिक्योर करना एक बहुत ही मेजर एस्पेक्ट बन जाता है। और जो नेटवर्किंग होती है, जो नेटवर्किंग का पूरा प्रोसेस होता है, वो कंबाइन होता है सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर टेक्नोलॉजीज के थ्रू। तो किस तरीके से जो है हम अपने सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इन दोनों को सिक्योर कर सकते हैं, यह आता है हमारे फोर्थ लेवल, फोर्थ टाइप ऑफ सिक्योरिटी में
नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर। लास्ट और फाइनल जो इसका टाइप आता है वो आता है हमारा साइबर सिक्योरिटी। अब साइबर सिक्योरिटी क्या करती है, एक बेसिकली बिग डोमेन है जो इन सभी को जो है अपने अंदर सब सिक्योरिटी टाइप्स में कंटेन करती है। साइबर सिक्योरिटी क्या करती है, प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर सिस्टम विच कम्युनिकेट ओवर द कंप्यूटर नेटवर्क। इस पूरी लाइन का बेसिक सा मीनिंग ये है कि किस तरीके से जो है हम हमारे पूरे सिस्टम को, पूरे नेटवर्क को हम किस तरीके से सिक्योर कर सकते हैं, ताकि जो भी हमारा कम्युनिकेशन होता है ओवर द नेटवर्क्स, जो भी हम ट्रांसफर ऑफ डेटा करते हैं, जो भी हम कम्युनिकेशन डेवलप करते हैं ओवर द नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर, मल्टीपल कंप्यूटर्स ओवर द वर्ल्ड, उन सभी को किस तरीके से सिक्योर कर सके। तो बेसिकली ये हमारे 5 सिक्योरिटी टाइप्स थे और इनको बहुत ही एक लर्न करने का हमारे एग्जाम्स के लिए, हमारे यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए, जनरली साइबर सिक्योरिटी में नेटवर्किंग पढ़ रहे हैं तो एक बहुत ही ईजी वे है कि हम इन लेवल्स में कैसे सिक्योरिटी को मेंटेन करें। सबसे बेसिक फर्स्ट लेवल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, उससे अपर लेवल सेकेंड लेवल जो हमारा टाइप है वो है एप्लीकेशन सिक्योरिटी, देन हम कंप्यूटर को सिक्योर करेंगे, फिर जो हम ट्रांसफर ऑफ डेटा करते हैं और नेटवर्क को सिक्योर करेंगे वो आता है हमारा नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर, और एट लास्ट ये सब आता है हमारा ओवरऑल एक बिग डोमेन के अंदर जिसे हम बोलते हैं साइबर सिक्योरिटी। तो ये हमारे कुछ 5 टाइप ऑफ साइबर सिक्योरिटी और उनके टाइप्स थे जो कि हमने आज की इस वीडियो में डिस्कस किए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।